वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS कैलेंडर 2021-22 आउट हो चुका है। ये सही समय है इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का। आज का वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें कंप्लीट प्लानिंग पर मैं बात करने जा रहा हूं, इसके हर सेक्शन के बारे में। आपके पास 6 मंथ्स का टाइम है। आपका स्टडी प्लान क्या हो, क्या क्या पढ़ें, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें, अपने को डेविएट होने से कैसे रोकें और किन किन चीजों का ध्यान रखें, बहुत डिटेल में मैं बात करने जा रहा हूं। आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लगातार करते चले आ रहे हैं, किसी कारण से उनको सक्सेस नहीं भी मिला। उन सबको मैं कहता हूं एक बार फिर से तैयार हो जाइए। 2021-22 के लिए ये कैलेंडर है और CET जो आएगा वो 22 से ऑनवर्ड होगा, यानी इस साल CET का कोई चांस नहीं है। इस साल सारे एग्जाम्स वैसे ही होंगे, इसलिए इस साल आपको जॉब लेना है। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि इसमें किस तरह से आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इसमें जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उस पर बात करने के पहले आप एक बार देखिए जो एग्जाम है वो 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। आपके पास लगभग 6 महीने का टाइम है और इन 6 मंथ्स में आप बढ़िया प्लानिंग करके सफलता निश्चित कर सकते हैं। 1 अगस्त से शुरू होगा और आगे पूरा प्रोग्राम आपके सामने है। IBPS PO क्लर्क और IBPS RRB PO क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट से बोलते हैं, सभी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स भी शामिल हैं। तो मैं 1 अगस्त को ही डेडलाइन मान करके बात करूंगा कैसे और क्या पढ़ा जाए, सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स, इन सब पर। आपको पता है कि RRB में इंग्लिश या हिंदी का ऑप्शन है, अदरवाइज बाकी सारा जो सिस्टम है वो सेम है सारे एग्जाम के लिए, और लेवल में जो भी डिफरेंस हो। ये देख लीजिए, प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट बातों में ये जो सामने आपको दिख रहा है वो है, लेकिन इस पर लास्ट में, शुरू में नहीं, लास्ट में। ठीक है, इस पर लास्ट में बात करेंगे, स्पीड एक्यूरेसी से लेके क्या करें और क्या ना करें, इन सब पर। सबसे पहले आइए हम लोग जनरल अवेयरनेस पर बात करते हैं, जो बैंकिंग अवेयरनेस से संबंध रखता है। दोनों जोड़ करके देखना है, 2 दिनों में इसका प्रिपरेशन नहीं होता, और खास करके मेन एग्जाम में जहां पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, वहां पर जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस के संदर्भ में इसके क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। इसका सिस्टमेटिक प्रिपरेशन आपके ऊपर प्रेशर बहुत कम कर देगा। कोई 1 महीने में पढ़े वो टेंशन में पढ़ेगा, कोई 6 मंथ में पढ़े बड़ा आराम से पढ़ेगा, विश्वास के साथ एग्जाम देने जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं रहेगा। कैसे पढ़े, ई मैगजीन तो उपलब्ध है, जनरल मैगजीन अभी कोरोना के कारण अभी नहीं आ पाया है, नहीं तो मैगजीन बेस होता है, ई मैगजीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग तरह के सोर्स हैं। अभी भी पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग रेडियो सुनते हैं और DD न्यूज देखते हैं। सबसे पहला जो सोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है, सबसे ज्यादा जो लोगों तक पहुंच है, वो रेडियो, रेडियो न्यूज और DD न्यूज का है। कम समय में प्रामाणिक स्टैंडर्ड रोज ये न्यूज सुनना, ये बहुत दूर तक आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, सारी चीजों से परिचित रखेगा, इसलिए इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए। मैं बार बार कहूं, हर स्टूडेंट के पास अलग अलग तरह के संसाधन हैं और जरूरी नहीं है कि एक ही सबके लिए उपयोगी हो, सबकी पहुंच भी हो। जिनके पास जो पहुंच है, मैंने परेशान नहीं होना है, जिनके पास जो अवेलेबल है वहीं से वो प्रिपरेशन करेंगे, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। रेडियो और DD न्यूज
देश के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचा है और इसलिए ये सबसे सुगम और इम्पोर्टेंट साधन साबित होगा जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस सबके संदर्भ में, क्योंकि सारे न्यूज उसमें रहते हैं। डेली न्यूज आप टीवी पर देखते हैं, वो देखते ही उसको कंटिन्यू रखिए, उसमें एक जोड़ लीजिए इकोनॉमिकल न्यूज, जैसे कि कुछ भी देख सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर बोलता हूं सीएनबीसी आवाज या जी बिजनेस, कुछ दूसरा भी एनडीटीवी प्रॉफिट भी देख सकते हैं, दूसरा भी देख सकते हैं, कोई एक इकोनॉमिकल न्यूज चैनल। इकोनॉमिकल एक पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत काम का होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ई पेपर के रूप में भी अवेलेबल रहता है, उसी से आप काम चलाइए, इतना क्यों खरीदिएगा, ठीक है, वो हमेशा अवेलेबल रहता है सारे ग्रुप में, मैं देखता हूँ पोस्ट होता रहता है, आप भी इस ग्रुप से जुड़े होंगे, उनसे उसका प्रिपरेशन कीजिए, जरूर देखिए, काम की चीजें देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड ट्रेड में, इंडियन ट्रेड में, इंडियन इकोनॉमी में, शेयर मार्केट में, डॉलर रुपया संबंध में, जो कच्चा तेल है उसका दाम अप डाउन जो होता है, गोल्ड प्राइस में अप डाउन होता है, सरकार का विनिवेश, आर्थिक नीति, सारे एरिया में सारी चीजों से आप लगातार परिचित होंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं थोड़ा कहूंगा इससे अलग हट करके, चीजें समझ में नहीं आएंगी, समर्थन आलोचनाएं चलते रहेंगे, समझना हो तो 1991 में भारत में नरसिम्हा राव के समय में जो आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की शुरुआत हुई थी, वहां से जब चीजों को देखेंगे तो आईने में सारी चीजें साफ नजर आएंगी। तो थोड़ा बैक जाके वहां से घटनाओं को जरूर देख लेंगे, तो आज की घटनाएं, आगे जाने वाली घटनाएं, ये सभी नेचुरल लगेंगी, ठीक है। योर ओन च्वाइस और सोर्स, ये मैंने इसलिए कहा कि कहीं कोई किसी टीचर से पढ़ते हैं, किसी वेबसाइट को फॉलो करते हैं, कोई कोर्स खरीदे हुए रहते हैं, तरह तरह का जो अपना सोर्स होता है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलने जा रहा हूँ, किसी के पक्ष में नहीं बोलने जा रहा हूँ, जिनका जो भी च्वाइस है इसके अलावा वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है। ये रेगुलर बेसिस पर करें और उसको दोहराते रहें, रिविजन बहुत जरूरी है, रिविजन नहीं होगा तो भूल जाइएगा, पिछले महीने का आपने पढ़ लिया, इस महीने फिर पिछले महीने का पढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो फिर लास्ट टू मंथ्स का पढ़ेंगे, फिर आगे जाएंगे तो फिर लास्ट थ्री मंथ्स का पढ़ेंगे। एग्जाम से पहले का 6 महीना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बजट 11 महीना पहले का भी हो तो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। साल में एक बार जो घटनाएं घटती हैं वो 11 महीना पहले का भी हो तो भी वो इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इन जनरल लास्ट 6 मंथ्स और लास्ट 3 मंथ्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां से लगभग 60% क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये मैंने जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के बारे में कहा। इंग्लिश को लेके सभी परेशान रहते हैं, जैसे करंट अफेयर्स एक दिन में नहीं हो सकता, इंग्लिश भी एक दिन में नहीं हो सकता, ये हैबिट होना चाहिए। कहने का मतलब एक ग्रामर बुक, वो बुक जिसे आपने बचपन से पढ़ा है, क्लास 9-10 में पढ़ा है या 12 में पढ़ा है, उसको बेस बनाइए, अपने ग्रामर को स्ट्रांग कीजिए, डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूरी है, और जिससे कि पैसेज और मीनिंग समझने में सुविधा हो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न उधर ही हो रहा है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना समझना जरूरी है। जो भी वर्ड आपको टफ लगते हैं उनको आप नोट करते हैं, उनका आप प्रैक्टिस करते हैं, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जब आप बनाते हैं तो आपको चीजें समझ में आने लगती हैं, आपको लगता है पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लास्ट ईयर के 4-5 साल के क्वेश्चन इंग्लिश के भी बना जाइए, उसके वर्ड मीनिंग कर जाइए, आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स उसी से आए, आपका काम तो निकल ही जाएगा। जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनके लिए, जिनकी स्ट्रांग है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो और स्ट्रांग करें, अधिक से अधिक स्कोर करें। तो ये समझ गए, इसमें एक जो डेली न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो पढ़ना जरूरी है, इसके अलावा जो सोर्स किसी टीचर से आप पढ़ते हैं, पढ़ते रहें इंग्लिश में, किसी साइट को फॉलो करते हैं, करते रहें, जहां आप जुड़े हैं वहां से आप जुड़े रहें, प्लस में बात कर रहा हूं, ठीक है, हमेशा प्लस में बोल रहा हूं,
कभी मैं ये नहीं कहूंगा ऐसा ही कीजिए, नहीं। एक काम कई तरीके से किया जा सकता है। हर स्टूडेंट का क्या अपना पर्सनैलिटी होता है, अपनी च्वाइस, अपनी ख्वाहिशें होती हैं। किसी को कोई टीचर पसंद आते हैं, किसी को कोई। पढ़ाने का अंदाज, स्टाइल, ये सब मायने रखता है। इसलिए जिनको जो तरीका पसंद है वो अपने तरीके पर विश्वास करें, अपने तरीके से आगे बढ़ें, नकल ना करें, सीखें। एक दूसरे स्टूडेंट ने किन उपायों का सहारा लिया, ये उपाय उस स्टूडेंट के लिए सुटेबल थे। मेरे लिए सुटेबल है या नहीं, या मुझे क्या सूट करेगा, मैं अपने अनुसार तय करूंगा। हमेशा अपना यूनिकनेस बनाए रखें, इससे आपको लगेगा कि आप अलग हैं, आपकी पर्सनैलिटी है। इससे आपका स्वाभिमान जगेगा, आपके अंदर एक अलग तरह का उत्साह पैदा होगा। इसलिए आपकी पर्सनैलिटी यूनिक है, ये सुनते ही आपको एक गुड फीलिंग होने लगेगा। हमेशा आप डिसीजन लें, अपने लिए डिसीजन लें, चाहे कोई भी डिसीजन हो। इसके बाद यही बात रीजनिंग के लिए है, एक बेसिक बुक फॉलो करें। एक बेसिक बुक फॉलो करना जरूरी है जिससे चैप्टर का बेसिक समझ सकें, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। रीजनिंग सारे हिट सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अलग स्थान रखता है, क्योंकि वो दिमाग को, आईक्यू को टेस्ट करता है। सारे तरीके, टेक्निक एक तरफ, आईक्यू दूसरी तरफ। एक स्टूडेंट जिसने कभी कुछ ना पढ़ा हो, कोई टेक्निक ना जानता हो, मैं टेक्निक का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं सुनिए, जिनका आईक्यू लेवल ऊंचा है, बिना किसी टेक्निक के, बिना स्पेशल स्टडी किए, वो अच्छा कर सकते हैं। ये रीजनिंग में उसकी विशेषता है, किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में वो चीज नहीं है जो रीजनिंग में है। अब जिनमें इसकी कमी है, वो अपनी प्रैक्टिस करके, अपनी मेहनत से पा सकते हैं। असंभव कुछ भी नहीं, चीजों की प्रैक्टिस करेंगे आपका कमांड होगा। जो बहुत कम जानता हो, जिसका आईक्यू लेवल कम हो, वो अपनी मेहनत के बल पर आसमान से तारे तोड़ ला सकता है। इसीलिए हमेशा ही दरवाजे खुले रहते हैं, ये मान करके चलिए। कोई भी व्यक्ति कोई भी गोल अचीव कर सकता है, ये भी मान करके चलिए। हाँ, उसके लिए उस स्तर के डेडिकेशन की जरूरत होती है। इसके अलावा किसी टीचर से पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, किसी साइट को फॉलो करते हैं, करते रहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत जरूरी है रीजनिंग में भी। और अब मैं बात करने वाला हूं मैथमेटिक्स सेक्शन में, इसमें डिटेल से बात होगी। एक नया स्टूडेंट कहां से शुरू करें, इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े प्लेटफॉर्म, इतने सारे चैनल्स, सोर्स, एक नया स्टूडेंट परेशान हो जाता है। लेकिन आप कुछ भी करें, अच्छा भला बुरा आप जानते हैं, आपको तुरंत में समझ में आ जाता है कि क्या सही है। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, स्टार्ट कीजिए बेसिक कैलकुलेशन से, हड़बड़ाइए नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार बना सकते हैं। एक चैप्टर पर कमांड भी आप में विश्वास पैदा करेगा कि हाँ, ये तो मुझे आ गया। इसलिए ज्यादा समय दीजिए। बेसिक कैलकुलेशन शॉर्ट में मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन से लेकर के सिंप्लीफिकेशन तक, ये बहुत मायने रखता है। और इसलिए बेसिक कैलकुलेशन पहला चैप्टर होगा। इसके बाद मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पर, हर प्लेलिस्ट में सफिशियंट वीडियोज हैं, 2000 से ज्यादा वीडियोज हैं, 2000 के बोझ तले न दबे। इसे अपार संभावनाओं के रूप में देखें कि आप जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना कुछ मौजूद है। आप उसमें जाएं, खूब देखें, एंजॉय करें। 6 महीने का टाइम है, एंजॉय करेंगे, सब कुछ सहज, सरल, नेचुरल लगेगा। इसके बाद पेजेस से शुरुआत कीजिए। बेसिक कैलकुलेशन के बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, मैथमेटिक्स की टेक्निक मैंने यही बताई है, यहीं से क्वांट शुरू होता है।
कोई चैप्टर, उसका कंसेप्ट, मैथमेटिक्स दिखता है, ये मैंने शो किया है, दिखाया है। मेरा स्लोगन मैथमेटिक्स दिखता है यहीं से नजर आता है। इसीलिए बेसिक कैलकुलेशन के बाद जो पहला चैप्टर है वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस है। सिर्फ इस एक चैप्टर को, इसके पहले कंसेप्चुअल वीडियो को जिसने ठीक से देख लिया उसे मैथमेटिक्स में मजा आ जाएगा। वहां के बाद वो चलेगा नहीं, वो स्टूडेंट दौड़ेगा। हमेशा मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए, वीडियो से शुरू नहीं कीजिए, प्लेलिस्ट से शुरू कीजिए। एक प्लेलिस्ट के 25-30% वीडियो देख लीजिएगा, 25-30% वीडियो, वही बहुत है आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, आपका कमांड दिलाने के लिए। उसके बाद प्रैक्टिस करने के ख्याल से जितना चाहे आप उतने वीडियो देख सकते हैं, वीडियोस को रोक करके आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पार्टनरशिप, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां तक एक पूरा सेट है पूरी मैथमेटिक्स में। चैप्टर के ख्याल से ये मुश्किल से 25-30% है, लेकिन टाइम के ख्याल से 50% ये ले लेता है। और इतनी दूर तक पढ़ने के बाद आपको लगता है कि मैथमेटिक्स मुझे आता है, पढ़ने का मन करता है। इसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने लिखा है ऑर्डर में, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो दुरूप का पत्ता है वो है मेथड ऑफ एलिगेशन, जो प्री से लेके मेन तक और डिफरेंट चैप्टर्स तक इसका इस्तेमाल होता रहता है। टाइम एंड वर्क, वाइफ्स एंड सिस्टर, टाइम एंड डिस्टेंस, स्ट्रेन एंड बर्डन स्ट्रेन, ये 5 चैप्टर्स के सेट हैं। एग्जाम में कभी कभी इन्हीं 5 से इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं मेन एग्जाम में, खास करके, और प्री में भी काफी, कि वो स्टूडेंट को काफी आगे बढ़ा देता है। लेकिन एग्जाम है, उसमें चेंज होता रहेगा, कभी इस पर जोर, कभी उस पर जोर। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एक दूसरा सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन, इससे क्वेश्चन जरूर आता है प्री से लेके मेन तक, इवन DI तक। डेटा सफिशियंसी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, हर जगह इससे क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में भी रहते हैं। मेंसुरेशन और मेथड ऑफ एलिगेशन, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस ख्याल से कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इवन DI तक आएंगे, कैसलेट तक आएगा। ये ऑर्डर है आपके पढ़ने का। इसके बाद बड़े चैप्टर्स की ओर आप जाते हैं समूह में, जिनसे 4-5 क्वेश्चन आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, कैसलेट, डेटा सफिशियंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इनइक्वालिटी, etc. ये सब बारी बारी से आपको पढ़ना है। इसके पहले जो आप पढ़ चुके रहेंगे वो आपको हेल्प करेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन और कैसलेट, जिसे डेटा एनालिसिस भी कहते हैं, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्म के रूप में मेन एग्जाम के ख्याल से, और इसलिए आप स्पेशली इस पर कंसंट्रेट करेंगे। वैरायटी ऑफ DI, मैंने लगभग 300 DI सॉल्व किए हैं, 300 DI सेट्स, बहुत बड़ा खजाना है, वैरायटी है, कुछ बचा नहीं है। इसमें से जितना देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। टेक्निक समझने के लिए तो 10-12-15 DI काफी है, लेकिन उसका एप्लीकेशन समझने के लिए और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये समझे, मैं डेली रूटीन और इस पर भी बात करूंगा। मैं अभी जो इनके सेक्शंस हैं उनको पहले एक्सप्लेन कर लूं। मेन एग्जाम में जो फॉर्म होते हैं वो मैंने उस पर जोर देके अलग से बनाया है। देखिए इसको बनाया है, DI डिफरेंट टाइप का होता है और उसमें अलग अलग टाइप्स हर एग्जाम में जुड़ते रहते हैं। एनालिटिकल DI, फनल DI, राडार DI, अब तो शेयर मार्केट से भी आने लगा है उस तरह का भी फनल DI, मैंने कहा न्यू टाइप का कोई भी लाइन डायग्राम, चैप्टर बेस्ड DI, मिसिंग DI, मिसिंग DI तो कहीं भी मिसिंग हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है, टेबल से लेकर के
चैप्टर बेस्ड जो डीआई है उसमें भी, और लाइन ग्राफ टेबल पाई ईटीसी कंबाइंड टू थ्री फिगर डीआई, कैंडलस्टिक डीआई एक नया आ गया, और भी आते रहेंगे, बनते रहेंगे, नए नए फॉर्म में आते रहेंगे, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन का जो शेप है मेन एग्जाम में एनालिटिकल हो जाता है। क्वेश्चंस पहले जैसे आते थे डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, कैसलेट, क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू जो बाद में ऐड हुआ, और मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, इसमें चेंज हुआ है। अब क्या हो रहा है, कैसलेट फॉर्म में क्वेश्चंस ज्यादा रह रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है उसको एनालाइज कीजिए, क्लासीफाई कीजिए डेटा को, अरेंज कीजिए, और उस पर डेटा सफिशियंसी क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू ये सब डीआई में आने लगे हैं, डीआई में आने लगे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में ही क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू भी होता है, डेटा सफिशियंसी भी होता है, मतलब एनालिसिस करने के लिए जहां जहां चांसेस बनते हैं वहां वहां क्वेश्चन आए, इसमें चेंज भी होता रहेगा। नंबर सीरीज को आसान समझ के बाद में छोड़ दिया गया था, मेन एग्जाम में एक दो साल नहीं आया, फिर उसका नया अवतार हुआ, टू लाइन थ्री लाइन नंबर सीरीज मेन एग्जाम में आने लगे, टू थ्री क्वेश्चंस, कभी कभी फोर क्वेश्चंस तक आ जाते हैं, और एक अच्छा सेक्शन होता है इसको सॉल्व करने के ख्याल से, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स चैप्टर के कभी नहीं बदलते। जिसको नंबर सीरीज सॉल्व करने आता है, मेन का नंबर सीरीज भी उसके लिए उतना ही आसान होता है, चाहे कितना भी टफ बनाने का प्रयास हो। ठीक है, तो ये सब मैंने कहा, इसके बाद आइए मैं बात करता हूं मेन एग्जाम में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं वो सामने है, मतलब डीआई आया, कैसलेट आया, क्वांटिटी कंपैरिजन आया, डेटा सफिशिएंसी आया, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन आए, पर इनमें क्वेश्चन किस चैप्टर से आए, टाइम एंड डिस्टेंस, स्ट्रेन, वाटर एंड स्ट्रेन वन सेक्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न सेकंड सेक्शन, देखिए मेथड ऑफ एलिगेशन से टीआई आने लगा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, इससे कैसलेट डेटा एनालिसिस आया करता था, आता है, आता रहेगा, डीआई भी आने लगे, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, चैप्टर बेस्ड डीआई में ये सभी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और पहले भी मैंने जो कहा, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस हो, बोर्डन स्ट्रीम हो, टाइम एंड वर्क हो, इन पर भी डीआई आ रहे हैं चैप्टर के रूप में, मेरे एग्जाम के ख्याल से ये सब टॉपिक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात कर रहा हूं जिस पर मैं शुरू में बात करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि लास्ट में बात करता हूं। एक बार देख लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट पर मैं लगातार विचार व्यक्त करता रहता हूं। सबसे पहले मैं कह दूं, स्टडी और टेस्ट दोनों का 50-50% वेटेज है मेरी नजर में। जो सिर्फ पढ़े टेस्ट ना दे वो हाफ परफॉर्म कर पाएगा, जो सिर्फ टेस्ट दे पढ़े ही नहीं आधा अधूरा वो हाफ भी नहीं कर पाएगा। दोनों ही चाहिए, पढ़ना और उसका एप्लीकेशन प्रैक्टिस, दोनों का 50-50% वेटेज है। तो पढ़ने के साथ टेस्ट तो जुड़ा हुआ है ही, उसके बिना तो पास करना संभव ही नहीं है, ये तो सबसे पहले नोट कर लीजिए। लेकिन कैसा टेस्ट, ऐसा टेस्ट जिसमें एक चैप्टर के क्वेश्चन हो, ओवरऑल नहीं, सब्जेक्ट वाइज भी नहीं कि मैथमेटिक्स इंग्लिश वो भी नहीं। मैंने साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन टेस्ट को अवॉइड कीजिए, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट कौन वाला, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का मिला करके 100 क्वेश्चन का, 200 का या 190 क्वेश्चन का, ऐसा टेस्ट नहीं। इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा है कि ठीक है मैथमेटिक्स का देते हैं, रीजनिंग का देते हैं, इंग्लिश का देते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा फायदेमंद नहीं है। टॉपिक वाइज टेस्ट, एजेस के 5 क्वेश्चन का टेस्ट, बना कि नहीं 3 मिनट्स में ये देखते हैं, 2 मिनट्स में प्री का और 3 से 4 मिनट्स में मेन का, ऐसे करके लगातार टेस्ट, ये बहुत जरूरी है और ये आपको कमांड दिलाएगा, ये बहुत जरूरी है। लेकिन बेकार का ऑनलाइन टेस्ट, उसके पीछे पागल रहना, ये सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ऑनलाइन टेस्ट का मैं विरोध करता हूं।
लेकिन चैप्टर वाइज टेस्ट, इसका मैं समर्थन नहीं, खूब समर्थन करता हूं, इसके बिना पास करने में दिक्कत होगी, एग्जाम में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए चैप्टर के खूब टेस्ट दीजिए। एक चैप्टर के टेस्ट देने से उस चैप्टर के क्वेश्चन दिमाग में बैठते जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर होता जाता है, जहां भी अस्पष्टता है वो क्लियर हो जाता है। इसलिए चैप्टर वाइज टेस्ट जरूरी है। प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, बी ऑप्टिमिस्टिक। दुनिया में कुछ नहीं जो असंभव हो, हर कुछ पाया जा सकता है, हर किसी को अवसर भी मिलता है, किसी को जल्दी सक्सेस मिलता है, किसी को देर से। तरीका सही है, सक्सेस जरूर मिलेगा। तरीका सही है या गलत, हर आदमी जानता है, क्योंकि अंदर से एक आवाज आती है, ये सही नहीं है, ना ना ये एकदम यही सही है। हर स्टूडेंट को पता है, अपने को जज करने के लिए हर आदमी सफिशिएंट है। सही रास्ता नहीं दिखे ये अलग बात, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो सही है कि गलत, इसका फैसला आदमी जरूर कर लेता है, हर स्टूडेंट कर सकता है। इसलिए जो भी रास्ता आप अपनाते हैं वो कितना सही है, ये आपको साफ साफ नजर आता है, समझ में भी आता है। रेगुलर स्टडी कीजिए। जो लोग वर्किंग है उनको बार बार लगता है कि मैं कैसे पढ़ूं, मुझे तो 2-4 घंटे मिलते हैं और कोई दिन भर पढ़ता है। मेरा इरादा किसी की भावना को आहत करना नहीं है, लेकिन जिसे 4 घंटे मिलते हैं उसका 1 घंटा दूसरे के 4-4 घंटे पर भारी है। जिसके पास समय कम है वो समय का मूल्य पहचानता है। मेरे जितने स्टूडेंट पास हुए हैं, पहला स्टूडेंट, मैं तो बार बार नाम लेता हूं, प्रवीण कुमार, विजया बैंक, इसमें इन्होंने काम करते हुए 3-4 घंटे में पढ़ते हुए और ये बैंक का एग्जाम क्वालिफाई किया था, काम करते हुए वही 3-4 घंटे, वो भी साइंस बैकग्राउंड के नहीं थे। इसलिए आर्ट वाले को भी मैं कहना चाहता हूं कि इस एग्जाम्पल को देखिए, कुछ नहीं, अपनी मेहनत के बल पर, समय कीमती है, समय का मूल्य वो पहचानते हैं और इसीलिए वो ऐसा कर पाए। आप सभी कर सकते हैं। राइट अप्रोच, रटना, रटने वाली चीज, ये राइट अप्रोच नहीं होती है, समझने वाली चीज होती है। कोई भी चीज समझ में ना आए सही तरीका नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो समझ में आने वाला अप्रोच राइट अप्रोच होता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कोई चैप्टर क्या है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। रटे रटाए 2-4 क्वेश्चन, उससे एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बनते। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एग्जाम में नए तरह के क्वेश्चन आएंगे और आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सॉल्यूशन, जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा, ये कॉन्सेप्ट है एवरेज का। हाउ द सम इज अफेक्टेड फ्रॉम 1+ to another और द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 पर्सन is affected from 1+ to another, ये concept है ages का। सही concept, वैसे ही percentage, वही वैसे ही method of allegation, जहां जहां rate है वहां वहां allegation है। ये सब स्वर्णिम शब्द है, वाक्य है। ऐसा ही concept आपको विजयी दिलाएगा, हर chapter का चाहिए। तो complete concept chapter का होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट कोर्स जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे। एग्जैक्ट कोर्स कौन होता है, आजकल तो कोर्स लिखना भी छोड़ दिया गया है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस वो डायरेक्शन बता देते हैं कि किस तरफ जाना है। तो मैं ये कहता हूं कि पूरे उत्साह के साथ, पॉजिटिविटी के साथ शुरू करें। मैं आपके साथ हूं, यूट्यूब पर मेरे क्लासेस चलते रहेंगे। मेरा जो नया ऐप है वो भी आ रहा है, उसमें नए कोर्सेस भी रहेंगे, पेड भी रहेंगे, वो भी चलेंगे, क्योंकि मैं खुद ही अपने बल पर ही काम करना चाहता हूं, दूसरे साइट और दूसरी जगह नहीं चाहता। और यूट्यूब पर भी कोर्सेस चलते रहेंगे, एकदम कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। यूट्यूब पर जो भी चीजें हैं सब सफिशियंट हैं और मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको पास कराऊंगा।
ऑल द बेस्ट।